गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड, चैप्टर टू, इंट्रोडक्शन ऑफ विंडो 10, सब्जेक्ट कंप्यूटर। वी नो दैट, हम सबको पता है कंप्यूटर के नॉट बर्किट्स हूँ। कंप्यूटर अपना काम अपने आप नहीं करता, इट नीड अवर इंस्ट्रक्शन। उसे हमारे इंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है, हमें बताना पड़ता है फॉर डूइंग टास्क, कुछ काम करने के लिए। द सेट ऑफ दी इंस्ट्रक्शन, ऐसे कामों को इट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ये सेट होता है जो इंस्ट्रक्शन देने का, उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर डेट मेक द कंप्यूटर सिस्टम ऑफ ऑपरेट। इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम DOS, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, एप्पल, Macintosh, IBM, OS, Ubuntu, Unix and Linux are the example of operating system। ये जितने अभी हमने आपको बताए हैं, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब बात करेंगे विंडोज की। माइक्रोसॉफ्ट विंडो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। आप आपसे कुछ पूछ रहे हैं सबसे ज्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है, तो वो होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडो। इट इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की शॉर्ट फॉर्म GUI होती है, GUI सॉरी, बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड होता है। विच मीन इट प्रोवाइड मेन्यूज, आइकॉन्स, बटन, डायलॉग बॉक्स एक्सेट्रा। इसमें इस्तेमाल करते हैं इन सारी चीजें टू इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर, जो कि हमें आसानी से कंप्यूटर से जोड़े रखता है। नो मोर, थोड़ी सी अलग जानकारी आपको दी जाए। द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन एज माइक्रोसॉफ्ट विंडो 1.0 केम इन द मार्केट इन 1985। सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन है, उसे हम लोग जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडो 1.0 के लिए, जो कि मार्केट में 1985 में आया। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट विंडो 10। इस चैप्टर में आप विंडो 10 के बारे में पढ़ेंगे। विंडो 10 इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडो। माइक्रोसॉफ्ट विंडो का सबसे लेटेस्ट नया वर्जन है विंडो 10। इट हैज बीन डिजाइन टू रन ऑन डेस्कटॉप कंप्यूटर। इसका डिजाइन रन करने के लिए डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए बनाया गया है। लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फोन, ये सब विंडो 10 में ही आते हैं। विंडो 10 डेस्कटॉप। अब विंडो 10 जो कंप्यूटर है, उसकी डेस्कटॉप कैसी होती है? व्हेन यू स्विच अ कंप्यूटर, आप जब किसी कंप्यूटर को स्विच ऑन करेंगे, खोलेंगे, विंडो 10 स्टार्ट ऑन इट्स अप। विंडो 10 अपने आप खुलेगा क्योंकि वो लेटेस्ट वर्जन है। स्क्रीन अपीयर ऑन द मॉनिटर, जो आपके मॉनिटर की स्क्रीन है वहां आपको दिखाई पड़ेगा। When the computer is ready to work, मतलब इसका टैब खुल गया, तो इसका मतलब ये कंप्यूटर कार्य करने के लिए रेडी है, तैयार है। This screen is called desktop। इस स्क्रीन को डेस्कटॉप कहा जाता है। Let us learn about some basic part of Windows 10। अब हम इसमें कुछ बेसिक पार्ट, मतलब जानकारी के लिए पढ़ते हैं Windows 10। डेस्कटॉप आइकन, इट इज अ स्मॉल पिक्चर ऑन अ डेस्कटॉप स्क्रीन। डेस्कटॉप आइकन क्या होते हैं? छोटी छोटी जो पिक्चर जो स्क्रीन पे दिखाई पड़ती है। इट रिप्रेजेंट एज एप्लीकेशन ऑफ फाइल, जो किसी फाइल की होती है या किसी एप्लीकेशन की होती है, अगर हम इन पे डबल क्लिक करेंगे तो ये खुल जाती है, उन्हें आइकन्स कहते हैं, डेस्कटॉप आइकन। टास्क बार क्या होता है? द बार दैट रन अलोंग द बटन ऑफ डेस्कटॉप इज कॉल्ड टास्क। द बार दैट रन अलोंग द बॉटम, जो कि नीचे किसी मॉनिटर डेस्कटॉप के नीचे वाली जो लाइन होती है
इसमें आपको पिक्चर में दिखाई पड़ रहा है, इसमें छोटे छोटे आइकन्स होते हैं, इसको टास्क बार कहते हैं। इन कंटेन द स्टार्ट मेन्यू ऑफ द लेफ्ट, इसके लेफ्ट पे स्टार्ट मेन्यू बटन होता है, सर्वर एप्लीकेशन आइकन, बहुत सारे एप्लीकेशन आइकन्स होते हैं और नोटिफिकेशन एरिया। स्टार्ट मेन्यू विंडो 10 स्टार्ट मेन्यू इनकॉर्पोरेट एलिमेंट ऑफ विंडो 7 ट्रेडिशनल स्टार्ट मेन्यू विद द टाइटल ऑफ विंडो 8। स्टार्ट मेन्यू प्रोवाइड अ कस्टमाइजेबल ऐप लिस्ट ऑफ मोस्ट रिसेंटली ओपन डॉक्यूमेंट रिव्यू ऑफ फाइल एंड गेट अप टू एक्सेस सिस्टम। हम स्टार्ट मेन्यू को जब क्लिक करते हैं तो पूरा कंप्यूटर का सिस्टम का मेन्यू खुल जाता है कि अब हमें कौन सी एप्लीकेशन में जाना है या कौन से फाइल फोल्डर में जाना है, वो ओपन हो जाते हैं और वहां से हम इजीली उसके अंदर जा सकते हैं। नोटिफिकेशन एरिया, दिस एरिया डिस्प्ले स्मॉल आइकन, इस एरिया में छोटे छोटे आइकन होते हैं, गेट नोटिफाई यू जो आपको बताते हैं अबाउट टास्क, किसी टास्क के बारे में, डेटा रनिंग ऑन योर कंप्यूटर जो कि आज के कंप्यूटर में होंगे, टास्क पर आइकन क्या होते हैं, दीज आइकन आर यूज टू लॉन्च सम विंडोज 10 फीचर विच इज सिंगल क्लिक ऑन माउस। ये ऐसे आइकन होते हैं जो तो आप इसे एक बार क्लिक करने पे ऊपर। टाइम एंड डेट, यू कैन सी द करंट टाइम एंड डेट ऑन योर कंप्यूटर इन द राइट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार के सीधे कॉर्नर पे, राइट कॉर्नर पे आपको टाइम और डेट देखने को मिल जाएगी। टू सी द फुल डेट, अगर आपको पूरी डेट देखनी है, पोजिशन द माउस ओवर द टाइम टू चेंज द टाइम एंड क्लिक ऑन टाइम, अगर आपको सही करनी है तो अगर पूरी फुल डेट देखनी है तो उस पर क्लिक करो जहां टाइम आ रही है और आपको वो पूरी टाइम देखने को मिल जाएगी। न्यू फीचर्स इन विंडो 10, आजकल नए नए फीचर्स क्या आ चुके हैं विंडो 10 में। सम न्यू फीचर आर एडेड इन विंडो 10 डेट मेक अस मोर सिक्योर एंड यूजर फ्रेंडली, दीज न्यू फीचर एक्सप्लेन, इसमें बताए जा रहे हैं फीचर्स जो नए फीचर्स आए हैं। कॉर्टाना क्या होता है, कॉर्टाना इज अ वॉइस एक्टिवेट पर्सनल असिस्टेंट। कॉर्टाना से तो कॉर्टाना जैसे कि आपने देखा होगा अपने गूगल पे काफी अब टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर आपको टाइम में टाइप कर दो वरना स्पीकर आता है, स्पीकर पे आप क्लिक करो अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर दो और तुरंत बोल दो उसे। आपको कुछ भी सर्च करना है या किसी की जानकारी लेनी है या कुछ भी निकालना है तो वो हो जाता है उसे, तो वो होता है कॉर्टाना। इट कैन आंसर क्वेश्चन लाइक व्हाट्स द वेदर लाइक टुडे, जैसे कि आप गूगल पे गए स्पीकर पे माइक का ऑप्शन आता है, आपने वहां क्लिक किया तो आपने जैसे क्वेश्चन किया व्हाट्स द वेदर लाइक टुडे कि आज का मौसम कैसा है, परफॉर्म सिंपल टास्क टू रिमाइंड यू टेक वन दैट ट्रश इन मच मल्टीपल डेस्कटॉप टास्क। Instead to keeping everything open the same desktop, you can move some of your window of a virtual desktop to get them out and away. And the new tax view features make it easy to manage of your opening window. तो आज हम इतना ही आपको बताते हैं, कॉर्टाना तक हमने आपको समझा दिया है अच्छे से, 15 पेज नंबर आपका हो गया है, तो ये आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास, घर पे पढ़िएगा, रीडिंग लगाइएगा, क्वेश्चन आंसर आपको मिल ही जाएंगे, तो उन्हें अच्छी अच्छी राइटिंग में नोटबुक्स पे करिएगा। और कंप्यूटर की नोटबुक आप सबने ले ही ली होगी, तो ये वर्क जो भी आ रहा है इसी में से आपका एग्जाम्स में आएगा। अच्छे से पढ़ाई करिएगा और कोई प्रॉब्लम है तो स्कूल में आके पूछ सकते हैं।